और देखिए जोरदार बारिश का असर मुंबई पर भी नजर आ रहा है। कई शहरों में भारी बारिश के बाद सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। जो सब्जियां पहले 60 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रही थीं, उनके दाम अब 120 से 140 रुपए तक पहुंच गए। मुंबई की सब्जी मंडी से हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में हुए भारी बरसात के बाद सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। जो सब्जियां पहले 60 से 80 रुपए किलो बिकते थे, वो सब्जियां अब 120 से 140 रुपए किलो बिकते हैं। खास करके टमाटर के दामों में इजाफा हुआ है। जो टमाटर पहले 50 से 60 रुपए किलो बिकते थे, वह टमाटर अब 80 से 100 रुपए किलो मार्केट में बिक रहे हैं। मैं इस वक्त दादर के बाजार में हूँ। यहाँ पे थोक व्यापारी हैं, जो दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और सब्जियाँ खरीदते हैं। टमाटर वाले भैया, टमाटर के भाव क्या है अभी? टमाटर 80 रुपए किलो। अच्छा, पहले क्या भाव था और अभी क्या भाव है? 10 दिन पहले 15 दिन पहले 40 रुपए किलो था। 10 दिन में मार्केट इतना बारिश की वजह से बढ़ गया, 80 रुपए किलो बिक रहा है। यह भाव क्यों बढ़ा है? माल कम आ रहा है, खेती में माल कम है, माल कम है, इसका रेट बढ़ा हुआ है। टमाटर के भाव थे जो फुटकर में 100 रुपए किलो चल रहे हैं और होलसेल का भाव 80 रुपए किलो बता रहे हैं। तो सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में भी यही हाल है। आइए देखते हैं पुणे में महंगाई को लेकर लोगों का क्या कहना है। पुणे शहर समेत महाराष्ट्र राज्य के कई इलाकों में पिछले दो दिनों से जो बारिश शुरू है, उसी बारिश के कारण मार्केट में जो सब्जियों के दर है, उन दरों में बड़े जो है वो बढ़ोतरी जो है वो दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में पिछले दो दिनों से बारिश शुरू है, जो सब्जियों के दामों में भी इसका काफ़ी बढ़ोतरी जो है नज़र आ रही है। देखा जा सकता है कि मांग जो है सब्जियों की वो बढ़ती जा रही है और जो सप्लाई होते जा रहा है सब्जियों का पिछले दो दिन से, उसमें बड़े मात्रा में जो है घट आई है और इसकी वजह से जो सब्जियाँ हैं उनमें से जो उनमें जो भाव बढ़े हैं वो लगातार दो दिन से जारी है। 25 से 30 रुपए तक जो है वो जो सब्जियों के जो दाम है वो बढ़े जा रहे हैं। तो देखिए महंगाई और मौसम का हाल बयां करने के लिए टीवी 9 के तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त अपने अपने शहरों में ग्राउंड पर हैं। आपको अब लिए चलते हैं नासिक। नासिक की सब्जी मंडी से हमारे सहयोगी चंदन की रिपोर्ट देखिए। दो महीने पहले जिस तरह की बारिश और बेमौसम बारिश पूरे ज़िले में हुई थी, उसके चलते किसानों को अपने खेतों से ये टमाटर फेंकने तक की बारी उन पर आई थी। आज हालांकि किसानों के पास भी ज़्यादा माल जो है वो तैयार नहीं है और इसके चलते जो बाज़ारों में टमाटर ज़्यादा तौर पर आने चाहिए थे वो अब कम पैमाने में आ रहे हैं, जिसके चलते अब बाज़ारों में टमाटर की किल्लत जो है वो महसूस होने लगी है। इसी के चलते नासिक में लगभग 80 से 90 रुपए प्रति किलो इस भाव से आज टमाटर बेचे जा रहे हैं। हाँ। काका, क्या लगता है, क्या वजह है कि टमाटर इस तरह से महंगे हो गए? अब कम हो गया, अभी माल कम है ना, इसीलिए मांग हो गया। अच्छा। हाँ, इस तरह दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, 20 रुपए किलो था पहले दो महीने के बाद। अच्छा। अभी भाव बढ़ गया, क्या करेंगे। कई किसान ऐसे भी है जिनके पास टमाटर है लेकिन वो अच्छे क्वालिटी के नहीं है। जो अच्छे क्वालिटी के टमाटर बाजारों में आ रहे हैं वो हाल फिलहाल 80 से 90 रुपए प्रति किलो से बेच। और आइए अब आपको दिखाते हैं नागपुर की मंडी से सुनील धागे की रिपोर्ट। रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाली सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं और सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से सामान्य आदमी को किस तरह सब्जी खरीदना, ये उनके सामने सवाल आके खड़े हुए हैं। टमाटर के रेट अगर देखें तो 100 रुपए के पार हो चुके हैं, बाकी भी सब्जियों के दाम उसी तरह बढ़ चुके हैं।